I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. I got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign like I'm running an election. I pop this champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. अब मुझे ये नहीं पता गाइस कि आप लोगों ने मेरे कितने गेम प्ले पूरे देखे या कितने नहीं देखे हैं, तो इस गेम प्ले को पूरा देखना, क्योंकि जिसका ये प्लान पे नाम है ना, थंडर कुछ करके नाम है, तो इसकी स्क्वाड को मैं भाई पूरी स्क्वाड को अकेला मारने वाला हूँ। और भाई देखना क्या ही गंदी तरीके से मैंने इस बंदे को मारा है, उसकी टीम को पूरी की पूरी मैंने मारा है। और जो शुरुआत में आपने सारे सीन देखे वो सारे सीन इसी वाले गेम प्ले के थे। और भाई गेम प्ले को पूरा देखते रहना भाई, तुम्हारे भाई ने एक महीने के बाद फिर से फोरेक्स चलाना जो स्टार्ट कर दिया। एक नहीं, आई थिंक 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से मैंने फोरेक्स को हाथ भी नहीं लगाया था और भाई फोरेक्स फिर से चलाना स्टार्ट कर दिया है। और भाई यहाँ पे देखो आप क्या ही तबाही मचाएंगे। तो यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ लेकिन भाई मुझे कोई भी नहीं दिखता। और भाई ऐसा ही होता है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता है, कोई भी टीम नहीं आती, लेकिन हाँ एक बंदे का मुझे साउंड आने लगता है जो कि भाई इधर से आ रहा है। तो बस देखो आप कैसे मारते हैं इसको। तो यहाँ पे पहले तो एक बंदा दिखता है मुझको, तो मैं सोचता हूँ भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा होगा मेरी तरह। लेकिन भाई जब ये नॉक होता है तो मैं समझ जाता हूँ भाई अपने टीममेट से, मतलब बोल के आऊँगा अच्छी चोड़ में कि भाई जा रहा हूँ और भाई देख लूंगा मैं सबको। तो बेचारे के साथ भाई स्कैम हो जाता है। और यहाँ पे बस देखते जाना भाई, जो भी बंदे मिलने वाले ना वो लास्ट में मिलने वाले, और बीच में इधर उधर थोड़े बहुत मिल जाते हैं। तो भाई मैं तो आया था पोचिंकी में, लेकिन पोचिंकी में कोई नहीं मिलता, तो फिर मेरे को एक एयर ड्रॉप दिखता है जो कि सरकारी था, तो मैं इस पर आ जाता हूँ। और इस पर आने के बाद भाई टीम भी आ जाती है एक, और भाई ये जो टीम रहती ना वो वही टीम थी जिसका प्लेन पर नाम आया था सबसे ऊपर में। और भाई वो बंदे जो देखो भाई क्या ही मेरे ऊपर पीछे पड़ेंगे ना। लेकिन अच्छा होता है यहाँ से मैं एक ग्रोजा उठा लेता हूँ और लेवल 3 हो जाता हूँ। अगर ये ग्रोजा और लेवल 3 नहीं उठाता ना तो भाई मैं ख़त्म था। बस देखते जाओ यहाँ पे। और फाइनली यार इस वाले बंदे को मार देते जिसका नाम आया था प्लेन पे थंडर नाम का था। और भाई इसी के साथ ये पूरी की पूरी टीम खत्म हो जाती। तो उसके बाद गाइस मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे, और ये वाली जगह पे आने के बाद भाई यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि ये जो टाइमर चल रहा है ना, ये उड़न खटोला महल का टाइमर है। और भाई ये जैसे ही खत्म होगा तो ये उड़न खटोला जो महल रहता है ना वो खत्म हो जाएगा, मतलब गायब सा हो जाएगा। तो इतने मुझे सामने की तरफ गाड़ी दिखती है जिसको मारने की ट्राई करता हूँ, और भाई अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, लेकिन इतने में राइट से साउंड आता है। अब यहाँ पे मैंने दोनों गाड़ियों को जो है अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, लेकिन भाई ये जो टीम रहती है आपस में दोनों लड़ जाती हैं। लेकिन हाँ काफ़ी बंदे नहीं मरते, उनमें से भाई एक टीम के जो बंदे रहते हैं ना तीनों के तीनों मार देते हैं एक वाली टीम, और बचता है सिर्फ एक टीम का लास्ट बंदा, और एक टीम जो रहती है भाई पूरी की पूरी जिंदा रहती है। तो यहाँ पर मुझे अब 5 से 6 किल मिलने वाले हैं, तो बस देखते जाओ भाई।
तो यहाँ पे इस बंदे को नॉक कर देता हूँ जो कि ऑफलाइन बैठा रहता है गाड़ी में, लेकिन मुझे क्या पता था भाई मेरे पीछे भी अभी एक टीम और है। तो इस टीम के मैं तीन बंदे खा जाता हूँ जो कि एक गाड़ी से मैंने कुचला था, और दो बंदों को नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। बचा है सिर्फ लास्ट बंदा जो कि भाई इस वाले दीवार के पीछे हीलिंग कर रहा है, उसका साउंड आ रहा है। लेकिन भाई इतना मैं फिर से भूल गया था भाई मेरे पीछे भी एक टीम है, और भाई वो याद दिला देता है बंदा, और भाई काफ़ी ज़्यादा जो है डैमेज दे देता है। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद हीलिंग करके मैं उस बंदे पे रश कर देता हूँ जो कि भाई इस दीवार के पीछे था। तो बस देखो अब इसको कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मुझे साउंड नहीं आता, बिल्कुल भी साउंड नहीं आता। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेनर में चेक करने के लिए जाता हूँ, शायद बंदा इसके अंदर बैठा होगा, और भाई ऐसे ही होता है। भाई साहब अंदर बैठे थे, और यहाँ पे मैंने इस टीम को जो है पूरी की पूरी क्लियर कर दी। लेकिन अभी बचा था वो वाला बंदा जो कि भाई इनसे जब मैं फाइट ले रहा था तो पीछे से टैप टैप दे रहा था, तो मेरा बदला लेने के लिए फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद भाई ये वाला 4x का स्प्रे देखो बस। भाई साहब एक हेड और दो बॉडी, लेकिन फिर भी बंदा नॉक नहीं आता। अब मैं इतना समझ गया था भाई यहाँ पे जोन चालू होने वाला है, ठीक है। जोन पहले नहीं देखा था मैंने, यहाँ पे मैं उस पर रश करने के लिए स्मोक फेंक देता हूँ, ठीक है। जोन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, जैसे ही बग्गी पे बैठता हूँ फिर मुझे याद आता है कि भाई जोन भी आ चुका है, ये बंदे तो खुद ही मेरे पास आएंगे। उधर से घूमते घुमाते फिर से पेट्रोल पंप पे आता हूँ, यहाँ पे बैठ के मस्त टीपी पे ले रहा था, और मेरे को पता था ये बंदे जोन में जरूर आएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक बंदा जो है जोन में जाते हुए दिखता है जिसको कि मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन भाई फिनिश नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कोई भी एंगल नहीं मिल रहा था। वो जो बंदा था ब्रिज के नीचे चला गया था। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद उस बंदे का मेरे को किल भी मिल जाता है, और सामने की तरफ कुछ बंदे विस्फोट हो जाते। तो बस देखो अब यहाँ पे मैं उस बंदे को मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई भी एंगल नहीं मिलता। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, और बस देखो अब भाई यहाँ पे मुझे एक बंदा भी दिखता है जो कि पहले मारने के जिसको मैं ट्राई कर रहा था, उसको नॉक भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नेट फेंकता हूँ ताकि भाई बंदा फिनिश हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि भाई यह जो नेट था रैंडम था, ऐसे ही फेंक दिया था मैंने। तो अब बच चुका है इसका लास्ट बंदा जो कि भाई इधर ही कहीं से साउंड आ रहा है उसका। तो बस देखो उसको कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जो है बंदा स्पोर्ट होता है, लेकिन भाई पता नहीं कहाँ घास में लेट गया है। लेकिन भाई इसका रिस्क नहीं ले पाएंगे अपन, क्योंकि भाई वहाँ पे मैं गया पता नहीं कहाँ ही लेट के मार देगा मुझको। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखते ये वाले भाई साहब, तो यहाँ पे जो टीम रहती भाई पूरी की पूरी खत्म हो जाती। तो उसके बाद यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी बग्गी चेंज करने के लिए, और भाई इतने में मुझे लेफ्ट की तरफ से पड़ने लगती है। तो मैं समझ जाता हूँ भाई यहाँ पे पूरी की पूरी टीम है, और अपन को एक अच्छा सा एंगल चाहिए होगा ताकि इनको अपन कवर में आके मार सके, ठीक है, कवर में रह के मार सके। क्योंकि ये जो बंदे थे भाई जोन के बाहर थे, और मुझे इतना पता था भाई एक मिनट या डेढ़ मिनट के अंदर जो है जोन चालू होने वाला है, तो ये बंदे जोन में जरूर आएंगे। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे एक कवर भी मिलता है जो कि यहाँ पे मैं बैठता हूँ, और भाई जोन का वेट करता हूँ बस। तो यहाँ पे जोन जो है चालू हो चुका था, और बंदे जो है जोन में आने की ट्राई कर रहे थे, और मैं बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था। और भाई इतने में मुझे ये बंदा दिखता है जो कि भाई लेफ्ट की तरफ था घास में लेटा हुआ। बस देखो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, काला काला कुछ दिखेगा आपको लेफ्ट की तरफ में, देखना जूम करके दिखाऊंगा मैं। तो वहां पे वो देख सकते हो काला काला कुछ दिखा। अब ये जो भाई साहब थे भाई ब्लैक कलर का हेलमेट पहने थे, तो इसलिए भाई इनका जो हेलमेट था भाई घास में मुझे दिख गया। तो अब मुझे क्या करना था, अब सीधा जो है रश करना था। अब मैंने यहाँ पे सोच लिया था भाई जो होगा वो देखी जाएगी, सबसे पहले रश करो। तो यहाँ पे मैंने इस टीम के तीन बंदे नॉक कर दिए थे, बचा था सिर्फ लास्ट बंदा जिसको कि भाई कोई भी मतलब नहीं था अपनी जिंदगी से। इस बंदे को भाई कोई भी लेना देना नहीं था अपने टीममेट या अपनी जिंदगी से, मस्त आराम से लेटा पड़ा था। तो अब बच चुके हैं गाइस दो बंदे बच चुके हैं, और भाई जोन भी काफी ज्यादा छोटा हो चुका है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मुझे सांप बनना पड़ता है, क्योंकि भाई दोनों बंदे जो रहते भाई सांप बन चुके थे, लेकिन भाई सांप
टाइम टाइम के लिए बनना पड़ता है। यहाँ पे मैं स्मोक करने के लिए सांप बना था, लेकिन इतने में मुझे लेफ्ट की तरफ से कुछ दिखता है और जस्ट सामने की तरफ देखो, मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, वहां पे आपको एक बंदा दिखेगा। वो देखो आपको एक बंदा दिख गया होगा, तो यहाँ पे मुझे एक बंदा दिखता है जिसको कि भाई रैंडम फायर देना स्टार्ट कर देता हूँ और भाई बंदा जो है नॉक हो जाता है। अब बच चुका है लास्ट बंदा जो कि भाई मेरे ऊपर रश करता है, तो बस देखो उसको कैसे मारते हैं। और भाई साहब इसी के साथ ये वाला हमारा चिकन डिनर हो जाता है। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना, बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आप लोग का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।